बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर का कंटेंट जो है एम कैट ए के यू टेस्ट और स्पेशली उसका मैथ पोर्शन, और इसका लेक्चर नंबर 2 है, टॉपिक परसेंटेज है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बेसिकली क्वान्टिटिव मैथ का है और ए के यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कमोबेश क्वेश्चन 15 है, तो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.036 इन टर्म्स ऑफ परसेंट इज़, इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है। तो जब भी आपने किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना हो तो उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 0.036 मल्टीप्लाई बाय 100% किया, तो डेसिमल का रूल है कि मल्टीप्लाई पर अगर 100 कर रहे हैं तो जो डेसिमल है वो राइट साइड पे मूव करता है, और अगर डिवाइड कर रहे हो 10 से, 100 से, 1000 से, तो वो लेफ्ट साइड पे मूव करता है। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 3.6%, चार्ली ऑप्शन। ओके, या आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? इसका डेसीमल ख़त्म करें तो ये आ जाएगा 36/1000 मल्टीप्लाई बाय 100%। 00 से 00 कैंसिल हुआ, 36/10 को हम लिखेंगे, 3.6% आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज 5% ऑफ 20%। व्हाट इज 5% ऑफ 20%, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो व्हाट मीन एक्स इज 5%, 5/100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 20%, 20/100, इसको बेटा सॉल्व कर लें। 25 ज़ार 100, 5 1 ज़ार 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/100 तो 1% के इक्वल होते हैं, ऐसे ही है ना। तो 1/100 जो है वो 1% के इक्वल है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी? बीटा बनेगी। क्वेश्चन 3 पढ़िएगा, साथ साथ रहिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 केजी इज 70 ग्राम, यानी कि 3.5 केजी का जो 70 ग्राम है ये कितने परसेंट है। ओके, सबसे पहले तो इन दोनों के यूनिट जो है ना वो सेम बनाने चाहिए। जैसे 3.5 केजी है तो इसके हमें पहले ग्राम बनाने चाहिए, तो 3.5 केजी है तो 3.5 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लें ताकि ये ग्राम बन जाए। तो क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो पॉइंट ख़त्म किया, 10 नीचे आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3500 ग्राम बन जाएंगे 3.5 केजी में। अब यहाँ पर लिखें एक्स परसेंट, मीन एक्स परसेंट ऑफ 3.5 केजी की जगह पे लिखें 3500 इज़ मीन इक्वल, इज़ इक्वल टू 70 ग्राम। इसको बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास एक्स ओवर 100 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 3500, 00 से 00 कैंसिल हुआ, 3570 जाके 70 को जाके डिवाइड करेगा, 70 डिवाइड बाय 35, तो 2% ये इसका आंसर है बेटा, बीटा ऑप्शन है। बात समझ रहे हैं आप? ओके, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट विल बी 60% ऑफ अ नंबर हुज 80% इज 320। पहले तो आपने वो नंबर फाइंड करना है जो कि उस नंबर का 60% दिया हुआ है। व्हाट विल बी 60% ऑफ अ नंबर हुज 80% इज 320। जैसे देखें 60% ऑफ एक्स ऑफ अ नंबर हुज 80% इज 320, और इस नंबर का यानी कि जो आप ऐसे समझ लें कि पहले तो वो नंबर फाइंड करें ना, तो जिसका 80% 320 दिया हुआ है, तो हम पहले वो नंबर इस इधर फाइंड कर लेते हैं। 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 320, यहाँ से अब हम एक्स फाइंड कर लेते हैं, तो ये बनेगा 80/100 एक्स इज इक्वल टू 320, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 320 मल्टीप्लाई बाय 10/8, 8 4 ज़ार 32, 0 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया। समझ रहे बात? यानी कि
400 का 80% जो है वो 320 है। अब इस नंबर का 60% क्या होगा, 60% ऑफ 400, इसको सॉल्व करना है। 60 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 400 बेटा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 40 इंटू 6 जो है वो 240, तो 400 का जो 60% है वो 240 है बेटा। ओके, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, अल्फा बनेगी। ओके, क्वेश्चन 5 पढ़िएगा। इसकी जो थ्योरी है, सारी जो चीज़ें हैं वो लेक्चर 1 में मैंने आपको बताई हैं, एक्सप्लेन की हैं, वो भी पहले आप देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 550 आफ्टर अ डिक्रीज ऑफ 70% इज, तो ये परसेंट इंक्रीज और परसेंट डिक्रीज का क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि 550 70% डिक्रीज होने के बाद क्या बनेगा, सही है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं इसका 30% जो रह जाएगा वो फाइंड कर लेता हूँ, यानी कि 70% डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो 100 में से आप इसको माइनस कर लें, तो ये बन जाएगा 30% ऑफ 550, तो ये आ जाएगा 30 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 550, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 55 इंटू 3 जो है ये आ जाएगा 3 फाइव ज़ार 15 और 165। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप कि 550 का 70% डिक्रीज़ होने के बाद क्या बने बचेगा। ओके, एक तो ये तरीका था कि हम इसका 70% निकालते और इसमें से हम वो वैल्यू माइनस कर देते तो बाकी जो बचता वो उसका आंसर होता। अब 70% डिक्रीज़ हो रहा है तो बाकी कितना बचा, 30% बच गया ना, 70% तो 100 में से माइनस कर दें तो 30% ऑफ 550 आंसर आ जाएगा 165। बात समझ रहे हैं आप। ओके, अब क्वेश्चन 6 देखिएगा। क्वेश्चन 6 में आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 28% ऑफ 825 इज इक्वल टू, अब 28% बढ़ रहा है, 825 का 28% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है परसेंट इंक्रीज जब बढ़ रहा है तो आप इसको 100 में ऐड कर लें। बेसिकली ये 128% ऑफ 825 हमने फाइंड करना है, यानी कि 128% ऑफ 825, तो 128 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 825, इसको सॉल्व कर लें बेटा। 5 पे कट करें, 5 टू ज़ार 10 और 5 वन ज़ार 5, 3 इधर आएगा 32, 5 सिक्स ज़ार 30, 2 इधर जाएगा, 5 फाइव ज़ार 25, फिर इसको जो है ना वो 4 पे कट कर लें, 4 फाइव ज़ार 20, 4 थ्री ज़ार 4 टू ज़ार 8, फिर इसको 5 पे कट कर लें, 5 थ्री ज़ार 15, 32 को 33 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 टू ज़ार 6, 3 थ्री ज़ार 9, 3 टू ज़ार 6, 6 प्लस 9 15, और 1 3 थ्री ज़ार 9 और 1 10, तो 1056 इसका आंसर बनता है बेटा, बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। साथ साथ ही है ना, कुछ ज़्यादा तेज़ तो नहीं हम चल रहे, बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा जिस तरह से आप क्लास में आप अपने टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है ना। मेरे लेक्चर का कमाल यही है कि आपको क्लास लगेगी कि हम बैठ के सर से पढ़ रहे हैं। ओके, क्वेश्चन देखिएगा जी 7। तो क्वेश्चन 7 जो है, इफ़ वाई परसेंट ऑफ एक्स इज़ 29 देन वैल्यू ऑफ वाई इज़, यानी कि वाई परसेंट ऑफ मीन एक्स इज़ मीन इक्वल और इज इक्वल टू 29। अब y को आपने सब्जेक्ट बनाना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ y ओवर 100 x इज इक्वल टू 29, तो 29 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय x हो जाएगा, x इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2900 ओवर x, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी हमारे पास, चार्ली बनेगी बेटा, सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इफ़ एक्स परसेंट ऑफ वाई इज़ 29x देन वैल्यू ऑफ वाई इज़, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है एक्स परसेंट ऑफ वाई, यहाँ पे हम एक्स लिख लेते हैं, इसको वाई लिख लेते हैं और 29x, तो ये क्वेश्चन हमारा 8 बन रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे देखिएगा, यहाँ पे एक्स परसेंट ऑफ वाई इज़ 29x, ये आ जाएगा एक्स ओवर 100 और y इज इक्वल टू 29x, वैल्यू ऑफ y फाइंड करें, y इधर ही रहेगा और 29x मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर x आ जाएगा, x से x कैंसिल हुआ,
29 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2900 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी बेटा, बीटा बनेगी जी, ऐसा ही है। तो परसेंटेज से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 5√5% ऑफ 5√5, यानी कि 5√5% ऑफ 5√5 सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 5√5। इन दोनों को सॉल्व करें, 5√5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5√5 का 5/100 तो ये कैंसिल हो जाएगा। 25/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.25 भी लिखा जा सकता है और इसको आप 25% भी लिख सकते हैं। तो उसने परसेंट में आंसर नहीं दिया, उसने डेसिमल में आंसर दिया है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी चार्ली 0.25 बेटा, ओके। क्वेश्चन देखिएगा 10, तो 70% ऑफ 14 इज 14% ऑफ व्हाट नंबर, लिखा मैंने 70% ऑफ मीन मल्टीप्लाई, 14 इज मीन इक्वल, 14% ऑफ व्हाट नंबर मीन एक्स, ओके। इसको बेटा सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 70/100 मल्टीप्लाई बाय 14/100 और एक्स। अब देखें फ्रैक्शंस का रूल है, 100 डिवाइड हो रहा है इधर से, ये कैंसिल हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर आके ये 14 इसको डिवाइड करेगा, 100 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो वो कटिंग हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 70 आ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, डेल्टा बनेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 11, देख लीजिएगा, इफ 40% ऑफ m इक्वल्स 40% ऑफ m इक्वल्स 20% ऑफ a, व्हाट परसेंट ऑफ a इज m। अच्छा पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40/100 m, 20/100 a, 100 से 100 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 20 को मैं इधर ले आता हूँ तो उसने बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ a इज 1 m, यानी कि जो a है वो m का कितने परसेंट है, देखते हैं, 40m इज इक्वल टू 20a, तो 40 उधर जाके डिवाइड हुआ तो m इज इक्वल टू 1/2a। उन्होंने बोला है कि जो m जो है वो a का कितने परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ a इज m, ओके। अब 1/2 ऑफ a है, हाफ क्या होता है, 1/2 बेसिकली 50% के इक्वल होता है, ऐसे ही है ना, 50/100 को हम 1/2 ही कहते हैं, या आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर लें, इसको सॉल्व कर लो तो m इज इक्वल टू 50% ऑफ a आ जाएगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी बेटा, डेल्टा बनेगी, ओके, समझ रहे बात। क्वेश्चन देखिएगा 12, देखें ट्वेल्व है कि व्हाट इज़ द परसेंट डिस्काउंट ऑन अ ट्राउज़र मार्क डाउन फ्रॉम $160 टू $120, यानी कि डिस्काउंट कितना हुआ, $160 उसके ऊपर प्राइस है और उसको जो है ना $120 में वो मिला है, अब $40 का डिस्काउंट हुआ है। हमेशा जो डिस्काउंट है ना वो मार्क प्राइस पर ही होता है, तो $40 डिस्काउंट ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100% कर दें, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये डिस्काउंट वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल कर लें, 4 4 16 तो 25, तो 25% जो है वो उसको डिस्काउंट हुआ है, बात समझ रहे हैं, $160 से कम होकर उसको $120 का ट्राउज़र मिला है तो $40 उसको डिस्काउंट हुआ है। तो 40 डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू जो मार्क्ड वैल्यू थी 160 मल्टीप्लाई बाय 100% करें तो 25% बेटा इसका आंसर है डेल्टा ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन देखिएगा 13,
इफ 80% ऑफ एक्स इज 200, व्हाट इज 70% ऑफ एक्स। सबसे पहले तो हम एक्स फाइंड कर लेते हैं, तो 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 200, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 80/100 एक्स इज इक्वल टू 200। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ बेटा, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10/8। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 पे कट हो जाएंगे ये, 2 पे चलें कट कर लें पहले, 2 5s are 10, 2 4s are 8 और 4 5s are 20। 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया 250 आ जाएगा, ऐसा ही है। अब आपने 70% लेना है x का, 250 का 70% लेना है, तो 70% ऑफ मीन मल्टीप्लाई और x की जगह पे मैंने लिखा 250, तो 70/100 मल्टीप्लाई बाय 250, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 को 7 से मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा 100/175। इसका आंसर है अल्फा ऑप्शन है जी। ओके, इजी लग रहे हैं ये टॉपिक, क्वेश्चन आसान लग रहे हैं आपको, तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते जाना। इस तरह लेक्चर 3 में थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चन मैं रखूँगा, इसी तरह लेक्चर 4, टोटल तकरीबन 3 या 4 लेक्चर इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। अभी आपको इसके अंदर डिस्काउंट, टैक्स और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है वो करवाने हैं। क्वेश्चन 14 देखिएगा बेटा, द प्राइस ऑफ अ बंडल ऑफ पेंस रोज फ्रॉम 10 सेंट्स टू 15 सेंट्स। यानी कि बंडल ऑफ पेंस है उसकी जो प्राइस है वो बढ़ रही है, 10 सेंट्स से बढ़ के 15 सेंट्स हो गई है। व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज इन प्राइस। अब कितने सेंट बढ़ी है, 5। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 10। मल्टीप्लाई बाय 100%, 10, 50% बढ़ी है, ऐसे ही है। 50% प्राइस जो है बढ़ गया, 10 सेंट से बढ़ के 15% हो गई है, 15 सेंट्स हो गई है, तो व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज। ओके, 50% इसका आंसर है, तो डेल्टा ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है बेटा। क्वेश्चन देखिएगा 15, अ स्मॉल शॉप कंटेन्स 25 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, इफ 20% आर जॉगर्स हाउ मैनी आर नॉट जॉगर्स। देखें 25 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, उनमें से 20% जॉगर्स हैं, तो नॉट जॉगर्स कौन से होंगे, 80% होंगे, ऐसा ही है ना। 20% को 100 में से आप माइनस करो तो 80% ऑफ 25 पेयर ऑफ शूज़ कर लें तो वो नॉट जॉगर्स होंगे। तो 80/100 किया, मल्टीप्लाई बाय 25, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 5 4s are 20, तो 20 जो हैं वो जॉगर्स नहीं हैं, बाकी 5 जो हैं वो जॉगर्स हैं, जो कि पूरे 25 पेयर्स ऑफ शूज़ का 5 जॉगर्स जो हैं वो 20% है। एक ठीक है, दोनों तरह से मैंने आपको समझा दिया, बल्कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 20% ऑफ 25 करो 5 आएगा, 25 में से 5 माइनस करो तो 20 जो हैं वो नॉट जॉगर्स, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका ट्रिक है, शॉर्टकट है, जल्दी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि एंटी टेस्ट का ये क्वेश्चन है तो टाइम बहुत कम है। ओके, तो इस टॉपिक को आप, इस लेक्चर को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि प्रॉब्लम होती है आप लाजमी डिस्कस करें। स्टूडेंट्स में बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं तो मैं ज़रूर रिप्लाई भी करता हूँ। तो बाकी है कि कोई सजेशन देना हो कि सर इस टॉपिक पे आप मज़ीद वीडियो बनाएं तो आप मुझे बताइएगा। बाकी अपना ख्याल रखें और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।